और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बात जोशीमठ को लेकर ही करेंगे क्योंकि जोशीमठ संकट पर रिपोर्ट सामने आई है। 8 सदस्यीय टीम ने यह रिपोर्ट पेश की है। प्रभावित परिवारों को तत्काल विस्थापित करने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। क्षतिग्रस्त इमारतों को घिराकर मलबा हटाने की सिफारिश हुई है। सीएम धामी विशेषज्ञों के संग बैठक भी करेंगे। जोशीमठ की तमाम पहलुओं पर चर्चा सीएम धामी की तरफ से होगी। आज जोशीमठ पहुंच सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। इसी के साथ पिटकुल की टीम भी जोशीमठ के लिए रवाना हुई है। बुधसाव के बिजली की लाइनों पर भी प्रभाव का अध्ययन आज करेगी टीम। जोशीमठ संकट पर एक्सपर्ट कमेटी का आज दौरा रहेगा। बॉर्डर मैनेजमेंट सचिव भी आज जोशीमठ जाएंगे। इसी के साथ एनडीएमए की टीम आज सीएम धामी से मुलाकात करेगी। इस पूरे मामले को लेकर, पूरे संकट को लेकर जोशीमठ में 603 घरों में अभी दरारें हैं। 68 परिवारों को अभी तक शिफ्ट किया जा चुका है। ये अभी फिलहाल की स्थिति वहां पर है। तो ये लगातार जो स्थिति इस समय जोशीमठ में बनी हुई है, हालांकि बड़े एक्शन सरकार की तरफ से लिए गए हैं। आपको बता दें, आज सीएम धामी की तरफ से भी विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। सीएम धामी किस तरीके से वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और क्या वहां पर तत्काल प्रभाव से करने की जरूरत है, इस बात को लेकर आज सीएम धामी की बैठक रहेगी। साथ ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पिटकुल की टीम जोशीमठ के लिए रवाना हो चुकी है और भूधसाव के लिए बिजली की लाइनों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इसका भी अध्ययन वहां पर किया जाएगा। और जोशीमठ संकट पर आपको बता दें, फिलहाल एक्सपर्ट कमेटी की जो बैठक है वो आज रहेगी। तो एनडीएमए की टीम भी आपको बता दें कि आज सीएम धामी से मुलाकात करेगी। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें 600 से अधिक घरों में दरारें हैं। लगभग अभी 63 परिवारों को शिफ्ट किया गया है, वहां से उनका पुनर्निवास किया गया है। फिलहाल इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो उपेंद्र, फिलहाल किस तरीके की स्थिति है, सरकार क्या कदम उठा रही है, स्थिति सबके सामने है। आज सीएम धामी विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे और क्या कुछ जो सरकार के पास एक्शन प्लान है फिलहाल वो तैयार किया गया है। देखिए विशाखा, जो जोशीमठ की जो स्थिति जिस प्रकार से बन रही है उसको लेकर जो 8 सदस्यीय टीमें जो वहां पर गई थी उसके जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपी है। उनका ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके वहां के जो परिवार हैं उनको विस्थापित जो है वो किया जाए और साथ ही जो जिन इमारतों पर जो दरारें आई हैं उन इमारतों को जो है ढहाया जाए और उनको उनका मलबा जो है वो वहाँ से हटाया जाए। उसके और साथ ही जिस प्रकार से सरकार की ओर से भी कड़े कदम जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं, वो लगातार एक्शन मोड में भी जो है सरकार दिख रही है। हालांकि अभी जिस प्रकार से देखा जाए तो मुख्यमंत्री की ओर से भी विशेषज्ञों की टीमों के साथ जो है वो बैठक जो है वो लगातार की जा रही है कि आखिर जोशीमठ के लिए जो है वो क्या कुछ संभव जो है वो हो सकता है, इनके बचाव के लिए क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं और किस तरीके से जोशीमठ की धरोहर को बचाया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। जिस प्रकार से ये माना जा रहा है कि दीर्घकालिक तक जो है जोशीमठ की स्थिति का जायजा लेने के लिए जो है जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल की जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर जो है वो जाँच करेगी कि किस तरीके से जो है ये भूदशाव की स्थिति जो है वो बन रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफी जगहों से जो है भूदशाव की स्थिति जिस प्रकार से बन रही है और जिस प्रकार की जो रिपोर्टें आई थी कि पानी का रिसाव जिस प्रकार से हो रहा है उसके चलते जो है ये बड़ा भूदशाव वहां पर हो रहा है। अब वहां पर जो है टीमें जो है वो लगातार जो है वो निरीक्षण करेगी। आज जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी जोशीमठ पहुंच चुके हैं और माना यह जा रहा है कि आज देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या कल जो है राजनाथ सिंह का दौरा जो है वो जोशीमठ में हो सकता है, क्योंकि वो भी लगातार केंद्र की ओर से भी लगातार जो है मॉनिटरिंग वहां पर जो है वो की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस पूरी मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं कि किस तरीके से जोशीमठ को जो है वो बचाया जा सकता है, क्योंकि विशाखा देखा जा सकता है कि जोशीमठ में सिर्फ गाँव को ही विस्थापित करना एक चुनौती नहीं है, दूसरी वहां की धरोहर को बचाना बड़ी चुनौती है। उसको किस तरीके से बचाया जाए ये सरकार के पास बड़ी चुनौती बनी हुई है। गाँव को तो विस्थापित किया जा सकता है लेकिन जो वहां की जो धरोहर है, जिस नाम से, जिस चीज से जो है जोशीमठ का नाम होता है, जिस चीज से जो है जोशीमठ को जो है जाना जाता है, उस धरोहर को किस तरीके से बचाया जाए ये भी जो है सरकार के पास बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसको लेकर लगातार सरकारें जो है वहां पर विशेषज्ञों की टीम जो है वो लगातार भेज रही है।
रही है। और दूसरी ओर जो है देखा गया है कि जो भूदशाव हो रहा है वहाँ पर लोग जो है काफ़ी परेशान जो है वो दिख रहे हैं। हालांकि 68 परिवारों को जो है दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है अस्थायी रूप से। अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जिनको शिफ्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 600 से ज़्यादा परिवार हैं जहाँ पर घरों में जो है काफ़ी दरारें आ चुकी है, खतरे की जद में वहाँ पर जी रहे हैं। हालांकि 68 परिवार ऐसे हैं जिनको अन्य जगहों पर जो है शिफ्ट कर दिया गया, और अभी कई परिवारों को जो है वो शिफ्ट करना है, इसकी कोशिश में जो है सरकार जो है वो जुटी हुई है। जी, रक्षा मंत्री भी पहुंच सकते हैं उपेंद्र वहां पर स्थिति को देखने के लिए, साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से भी आज बैठक वहां पर होगी और बड़ी जो विशेषज्ञों की टीम है पीएम उनसे अपडेट लेंगे कि क्या कुछ एक्शन प्लान फिलहाल केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर उठा सकती है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या तो आज रात या कल जो है वहां पर राजनाथ सिंह जो है जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस प्रकार से जो है इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं, विशेषज्ञों के साथ उनकी भी लगातार जो है वो बैठकें हो रही है, और माना यह जा रहा है कि दीर्घकालिक तक जोशीमठ को किस तरीके से बचाया जाए उसको लेकर लॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल की टीम, जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल की जो टीमें हैं वो भी लगातार जो है वहाँ पर अपनी निगाहें बनाई हुई है, वो भी निरीक्षण जो है वहाँ पर कर रही है कि आखिर क्या कमी और किस कारण जो है वहाँ पर इतना बड़ा भूदशाव जो है वो हो रहा है। जिस प्रकार से एक रिपोर्ट आई थी उसमें जो वहाँ के आदि जो शंकराचार्य हैं उनके द्वारा भी जो वहाँ के जो पानी जो रिसाव वहाँ पर पानी का हो रहा है उसका निरीक्षण जो है उनके द्वारा भी वहाँ पर किया गया है। उन्होंने भी कहा कि हम भी इसके जो है वो निरीक्षण के लिए सैंपल जो है वो पानी का सैंपल जो है वो भेजा जाएगा कि आखिर इतना केमिकल इस पानी में कहाँ से आ रहा है, क्या इसमें दिक्कत है और क्यों इसके जो है इतना बड़ा भूदशाव हो रहा है, इसको लेकर भी जो है एक टीम जो है वो भेजी जाएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर हालांकि सभी लोग जो है एकजुटता के साथ जो है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जैसे कैसे जो है वो जोशीमठ को बचाया जा सके और ख़ासतौर पर वहाँ की धरोहर को, क्योंकि भूवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब सिर्फ विस्थापित ही एक जो है बड़ा विकल्प जो है वो सरकार के सामने है कि यहाँ के लोगों को जो है वहाँ से विस्थापित जो है वो किया जाए, लेकिन उसकी धरोहर को जो बचाने को लेकर जो है सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने है, उसको लेकर किस तरीके से कदम जो है अब सरकार उठाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें जो है वो लगातार जोशीमठ के बचाने को लेकर जो है लगातार कोशिश कर रही है। ठीक है उपेंद्र, फिलहाल संवाददाता कुलदीप राणा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, फिलहाल विपक्ष भी सवाल ये उठा रहा है कि बहुत देर सरकार की तरफ से की गई है और फिलहाल भी देरी हो रही है, क्योंकि फिलहाल युद्ध स्तर पर वहां पर कार्य करने की जरूरत है, लोगों को वहां से निकालने की जरूरत है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जरूरत है, केवल रैन बसरों में इंतजाम कर देने से सरकार की यहाँ पर जो पूरी प्राथमिकता है, जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो जाती है, इसको लेकर क्या जानकारी है? निश्चित तौर पे क्योंकि पिछले बीते दिन भी जो कांग्रेस के गणेश गोदियाल थे उन्होंने भी उस पूरे क्षेत्र का दौरा किया, लगातार जो विपक्षी पार्टियां चाहे यूकेडी हो चाहे कांग्रेस हो या चाहे भाजपा माले पार्टी हो, तमाम अब जो राजनीतिक दल हैं वो भी सरकार की कार्यशैली पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो जोशीमठ क्षेत्र में भूस्खलन की तस्वीरें, भूदशाओं की तस्वीर आई है वो केवल एकाएक नहीं आई है, बल्कि पिछले एक साल से उस पूरे क्षेत्र में भूस्खलन हो रहा था, भूदशाव हो रहा था। गांधीनगर वार्ड में पिछले एक साल से लगातार भूस्खलन और भूदशाओं की तस्वीरें सामने आ रही थी। उस समय वहां के लोगों का कहना है कि वो लोग तहसील प्रशासन के पास लगातार उस शिकायत को लेके जाते थे, लेकिन वहां पे उपजिलाधिकारी उल्टा उनको डांटते थे कि उन्होंने मकान सही तरीके से नहीं बनाई हुई है। अगर सरकार एक साल पहले अगर इस चीज पे ध्यान देती तो हो सकता था आज जिस स्थिति में जोशीमठ पहुंचा है उस स्थिति में नहीं पहुंच पाता, लेकिन सरकारों की लापरवाही के कारण, ध्यान न देने के कारण आज जोशीमठ के जो हालात हुए हैं कहीं ना कहीं उससे लोकल प्रशासन और सरकारें दोनों जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ वर्तमान स्थिति की बात करें तो लगातार वहां पे जो मकाने तरक रही हैं, पहले दो वार्डों में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका असर पूरे जोशीमठ क्षेत्र में मिल रहा है। हालांकि जो 8 सदस्य टीम और पिछले दिनों जो आपदा प्रबंधन सचिव थे उन्होंने भी उस पूरे क्षेत्र का दौरा किया था, उनका ये कहना था कि केवल 40% क्षेत्र प्रभावित हो रखा है, लेकिन अगर वर्तमान मौजूदा हालात की बात करेंगे तो पूरा क्षेत्र अब उस भूदशाओं की चपेट में आ रहा है। धीरे धीरे वहां पे चाहे हम जो ऐतिहासिक कल्पवृक्ष की बात करें या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें या जो वहां पे आदिगुरु शंकराचार्य जी का पीठ है उसकी बात करें, वो तमाम ऐसे ऐतिहासिक और
धार्मिक धरोहर है जो अब इस भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। उसके अलावा जो सरकारी भवन है वो इस भूदशाव की चपेट में आ गए हैं। और सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है सरकार के लिए कि अब केवल जो जिन लोगों को प्राथमिक तौर पे नगर पालिका के भवनों में और सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया गया था वहां न रहकर अब उनको परमानेंट उनका विस्थापन किया जाना जरूरी है, क्योंकि क्योंकि 3000 आबादी का ये सवाल है और अब लगातार उस पूरे क्षेत्र में इस तरह की कंडीशन हो रखी है और लगातार जिस तरीके से उस पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ रही है, ठंड का भारी भरकम उस पूरे क्षेत्र में प्रकोप है और सरकार की व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त नहीं है कि वहां पे लोगों को प्राथमिक राहत भी दे पाई। लोग वहां पे लगातार शिकायत कर रहे हैं कि जो शरणार्थी शिविरों में पर्याप्त इंतजाम सरकार नहीं कर पा रही है, लोकल प्रशासन वहां पे नहीं कर पा रहा है। बेहतर ये होगा कि लोकल प्रशासन वहां पे वहां से कहीं और जगह उन लोगों को शिफ्ट कर दे, क्योंकि अगर जोशीमठ के भीतर जिन सरकारी भवनों में उन शरणार्थियों को रखा गया है तो आने वाले दिनों में ये स्वाभाविक है कि वहां तक भी उस क्षेत्र के जो दरार पड़ रही है, जो प्रभावित हो रहे हैं वहां भी उसकी आंच पहुंचे, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि वहां से ही अन्यंत्र शिफ्ट उन लोगों को किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई जान माल की बड़ी हानि वहां पे ना पहुंचे। क्योंकि पहले ही वहां पर आप स्थानीय तौर पर वहां पर मौजूद है, जो वहां पर लोग हैं, आम लोग हैं, वो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उनकी मांग है? क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है, देखिए वो तस्वीरें भी हमने देखी है, रोते बुलकते लोगों को भी देखा है, वो किस तरीके से वहां पर जो हालात है वो बने हुए हैं। जो आम लोग हैं, मेजोरिटी जो वहां पर है लोगों की, वो सरकार से फिलहाल क्या चाहती है? देखिए जो जोशीमठ के जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उसके लिए एक संघर्ष समिति वहां पे बनी है, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने जो अपनी प्रमुख मांगे परसों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने भी रखी थी और लगातार वो उन्हीं मांगों को लेकर अडिग हैं कि पहली जो जोशीमठ के नीचे विष्णुगढ़ परियोजना की NTPC कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा है वो हमेशा के लिए बंद किया जाना चाहिए, उसको परमानेंट उस पर स्थायी रोक लगाई जानी चाहिए। और उसके अलावा जोशीमठ शहर के नीचे जो बाईपास का निर्माण हो रहा है उस पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि उन निर्माण कार्यों में भारी भरकम विस्फोटकों का प्रयोग किया जा रहा है और इससे सबसे ज्यादा खतरा जोशीमठ क्षेत्र को हो रहा है। जबकि मिश्रा की रिपोर्ट 1976 में आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधियां निर्माण कार्य होते हैं तो उससे ये शहर खतरा उसको पैदा हो सकता है। बिल्कुल कुलदीप, यानी कि जो आम लोग हैं वो जाहिर तौर पर वहां पर यही चाहते हैं कि सारे निर्माण कार्य रुके और उनके रहने और का जो इंतजाम है वो फिलहाल सरकार करे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तमाम पहुंचाने के लिए।